मैं सबका ही धन्यवाद देना चाहूँगा, सभी का जो जिन्होंने समय निकाला हमारे साथ आए इस प्रोग्राम के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा सोनाली कुलकर्णी जी का। उसकी एक छोटी सी कहानी है, जल्दी से बता दूँ। कहानी ये थी कि मैंने सोनाली जी को फ़ोन किया था, कहा कि ऐसे ऐसे हम दूरदर्शन चाहता है कि आपका सम्मान करें, WTC चाहता है। तो सोनाली ने कहा कि हाँ ठीक है मुकेश जी, नो प्रॉब्लम, मैं आ जाऊँगी। और कहाँ है, कैसे, क्या, सब बता दिया। मैंने कहा मैं आपको लेटर भी भेजूँगा, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 दिन पहले फ़ोन किया और एक कार्ड जो छपा था वो मैंने भेजा व्हाट्सअप करके। तो उधर से आया कि मुकेश जी कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, ये वो सोनाली नहीं है जिसको आप बुला रहे हैं, ये किसी और सोनाली को कार्ड भेजा, वो सोनाली दूसरी है। तो मैंने कहा क्या हुआ, कुछ कन्फ्यूजन, 2 दिन रह गए थे अब मेरे पास। तो मैंने फ़ौरन सोनाली को फ़ोन मारा, मैंने कहा अच्छा नंबर मुझे मिलेगा उनका? तो उन्होंने कहा नंबर मैं आपको देती हूँ। फिर मैंने और भी लोगों किया, मैं नाना को भी फ़ोन किया, नाना बाटेकर जी को, विक्रम गोखले जी को मिल जाए, पर फॉर्चुनेटली उन्होंने दिया। तो जब मैंने रियल सोनाली कुलकर्णी जी को फ़ोन किया तो सबसे अच्छा लगा कि जो मुझे गर्मी मिलती थी उनकी आवाज़ में, जो वामत था, जो वो गर्मी मिली है, हाँ खनक वो मिली। तो मैंने कहा ये, तो मैंने कहा मैं आई थिंक आई एम द राइट प्लेस। उन्होंने कहा मुकेश जी नो प्रॉब्लम, ऐसा होता है अक्सर, मुझे भी डांस के प्रोग्राम के लिए लोग बुला लेते हैं, मतलब उस सोनाली को समझ के। तो मैंने कहा अब स्थिति यह है कि मेरी नैया पार आप लगाइए, क्योंकि मैं तो मझधार में फंस गया हूँ। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे 2 दिन का समय, इट डजंट लुक नाइस, बट इफ़ यू कैन मेक इट, आई एम सो हैप्पी दैट शी टुक आवर टाइम एंड शी मेड इट। सो व्हाई आई एम सेइंग स्पेशल थैंक यू, बाकियों को मैंने समय दिया, उनको मैंने समय नहीं दिया, तो जो मेरे लिए मतलब ठीक नहीं था। थैंक यू सो मच सोनाली जी वंस अगेन, एंड थैंक यू एवरीवन।